पेट दर्द के बारे में आज हम बताते हैं। कुछ हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास लेके घूमते रहते हैं और उनके बच्चे का पेट दर्द नहीं जाता है। ये एक फैमिली है, इसका क्लासिकल एग्जांपल है। ये बड़ी बिटिया है, इसको भी पेट दर्द हो रहा है। ये छोटी बिटिया है, इसको भी पेट दर्द हो रहा है। और ये 3 साल की है, इसको भी पेट दर्द हो रहा है। ऐसी क्या बीमारी है कि पूरी फैमिली में हर बच्चे को पेट दर्द हो रहा है? तो पेट दर्द एक फिनोमिना होता है, जैसे हम एडल्ट में हम लोगों को सर दर्द होता है, बॉस ने डांट दिया, बीवी से लड़ाई हो गई, पर्स गायब हो गया, समय तेज धूप में निकल गए, नींद नहीं पूरी हुई, उसकी वजह से सर जो भारी भारी लगता है, वो सर भारी का सेम पार्ट बच्चों में पेट दर्द फॉर्म में होता है। स्कूल में टीचर ने डांट दिया, आप जबरदस्ती खाना खिला रहे हो, जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हो, इनका खिलौना गायब हो गया, दो भाई बहनों में आपस में लड़ाई हो गई, आपने उसको डांट दिया, रात में उनकी कहीं पे शादी ब्याह में गए, रात तक जाग गए या तेज धूप में निकल गए, तो कोई भी उनको जो टेंशन और या स्ट्रेस फैक्टर होता है उसकी वजह से वो पेट दर्द होता है। यूजुअली बच्चे जो हैं, अर्पिता बताओ पेट दर्द कहाँ होता है? एकदम क्लासिकल भैया बता रही है, अर्पिता बताओ पेट दर्द कहाँ होता है? एकदम यहाँ पे, ये जो ढोड़ी है अम्बिकल के पास बच्चे अपना हाथ रखते हैं, ये क्लासिकल है। और आप जब एग्जामिन करोगे तो आपको पेट में कुछ मिलेगा नहीं। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो अल्ट्रासाउंड लिख देता है, अल्ट्रासाउंड करा लो पेट का और पेशाब की जांच होता है, वो नॉर्मल आता है। तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, वो सीटी स्कैन लिख देता है पेट का, वो भी नॉर्मल आता है। फिर आप तीसरे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कोई और जांच कराता है। ऐसे धीरे धीरे करने के बाद कुछ डॉक्टर जो हैं वो साइकाइट्री की दवा बच्चों को, जैसे ये अब ये जैसे बच्ची बड़ी हो गई है तो ऐसे बच्चों को कुछ लोग जो हैं वो साइकाइट्री की दवा स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेस फैक्टर की वजह से होता है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। जब भी बच्चा पेट दर्द बताए उसको ऐसे लेटा दीजिए और उससे कहिए कि बेटा लेट जाओ, कि धीरे धीरे लेटाइए कि बेटा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद इसको पलट के और गर्म पानी की बोतल, मतलब गर्म पानी लेके उसके पेट की सिकैया कर दीजिए, 90% टाइम पेट दर्द ठीक हो जाएगा, गायब हो जाता है। अगर आप, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पेरेंट्स को कंसर्न नहीं दिखाना है, यानी कि जब भी बच्चा पेट दर्द की बात करे तो ऐसा नहीं है कि उसके घर में सब लोग उसके उसकी दादी दादा चाचा चाची मामा मामी सब लोग इकट्ठा हो जाए उसको पुचकारने लगे। ऐसा करने से धीरे धीरे बच्चे में जो है ना वो पेट दर्द जो है उसको इन्जॉयमेंट होने लगता है, वो कई बार खुद से कहने लगती है कि पेट दर्द है। और फिर माइंड के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, डीप माइंड। कुछ दिनों बाद माइंड जो है उस पेट दर्द पे कैप्चर कर लेता है, फिर बच्चे को सच में पेट दर्द होता है और बच्चा चाह के भी वो पेट दर्द को खत्म नहीं कर पाता है। पर ये ऐसा नहीं होता कि पेट में कोई बीमारी है, ये माइंड जो है उसको कंट्रोल करके होता है। तो इसको हम फंक्शनल पेन एब्डोमेन कहते हैं। और फिर अगर इस लेवल तक पहुंच गई तो फिर आपको कुछ दवाएं चलानी पड़ती हैं। तो बेहतर है, आपको फिर से रिपीट करा रहा हूं कि जैसे हमें हेडेक होता है वैसे ही 3 साल से लेकर, लड़कियां हैं तो 14 साल तक, लड़के हैं तो यूजुअली 12 साल तक बच्चों को पेट दर्द होता है। वो कोई ऐसा नहीं है, कोई बीमारी है, 90% टाइम ये स्ट्रेस फैक्टर की वजह से होता है। आपको वो स्ट्रेस फैक्टर रिमूव कराना है। स्कूल में अगर टीचर डांट रही है तो जाकर उससे बात करिए, कोई बच्चा उसको परेशान कर रहा है तो वो उसको उस स्ट्रेस फैक्टर को उठाइए, जबरदस्ती खाना नहीं खिलाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया है कि पेरेंट्स को कंसर्न नहीं दिखाना है।